इंडिया का एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है। देश में एयरपोर्ट्स के नंबर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब इंडिया में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। ऐसे में एविएशन फ्यूल की डिमांड भी बढ़ गई है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल हरियाणा के पानीपत में एक नया प्लांट लगाने जा रही है। ये इंडिया की पहली ग्रीन फ्यूल एविएशन फर्म होगी। इस प्लांट के शुरू होने से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेट जीरो एमिशन बाय 2070 के टारगेट को पूरा करने में भी आसानी होगी। इंडियन ऑयल पानीपत में एक रिफाइनरी पहले से चलाती है। अब नई इन्वेस्टमेंट से यहां एविएशन फ्यूल प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी LanzaJet INC के साथ साथ मल्टीपल डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है। ज्वाइंट वेंचर में बनने वाले इस प्लांट पर 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी के इस प्लांट में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF तैयार होगा। इसके लिए एल्कोहल से जेट फ्यूल बनाने वाली टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ये एक बायोजेट फ्यूल होगा। इसमें कॉमन एविएशन फ्यूल जैसी ही प्रॉपर्टीज होती है, वहीं कार्बन एमिशन काफी कम होता है। नए ज्वाइंट वेंचर में 50% स्टेक इंडियन ऑयल का होगा, जबकि 25% LanzaJet का होगा और बाकी 25% एयरलाइंस कंपनियों के एक ग्रुप को दिया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर में एयरलाइंस कंपनियों को शामिल करने का डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि तैयार होने वाले ग्रीन जेट फ्यूल की सेल को इंश्योर किया जा सके। इस प्लांट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। LanzaJet का इन्वेस्टमेंट 750 करोड़ रुपए का होगा। बाकी का इन्वेस्टमेंट नई कंपनी में शामिल होने वाली मल्टीपल एयरलाइंस करेंगी। टाटा ग्रुप, एयर इंडिया और विस्तारा जैसी फ्लाइट सर्विस ऑपरेट करती है। इसके अलावा देश में इंडिगो, गो फर्स्ट और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां भी एयरलाइंस चलाती है। इन सभी ने ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है और हर कंपनी 100 से 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ज्वाइंट प्लांट के जरिए कंपनियों का 85,000 मेट्रिक टन फ्यूल प्रोड्यूस करने का प्लान है। ये एक साल में उत्सर्जन किया जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या अब फ्लाइट टिकट महंगे हो जाएंगे, तो ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए एक एयरलाइंस ने बताया है कि SAF की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर 5% SAF को कन्वेंशनल जेट फ्यूल के साथ मिलाया जाता है तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे की उड़ान के लिए टिकट प्राइस में करीब 180 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। आपको बता दें कि जेट फ्यूल पर टैक्स के साथ ही कई तरह के चार्जेस भी लगते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विस के लिए भी चार्ज लिया जाता है। अगर सरकार इस फ्यूल को लागू करती है तो इन चार्जेस में उन्हें कटौती करनी होगी ताकि पैसेंजर्स को समान कीमत में ही ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिल सके। खैर, जल्द ही अब इंडिया के प्लेन ग्रीन फ्यूल पर उड़ने वाले हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।